आप शायद नई हैबिट पिकअप करना चाहते हैं, जैसे मेडिटेशन या एक्सरसाइजिंग, या फिर आप किसी नए एंडेवर में घुसना चाहते हैं, राइटिंग, फोटोग्राफी, या फिर आप कोई स्पोर्ट सीखना चाहते हैं जैसे फुटबॉल या स्नूकर। और बाय द वे अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ बुक सजेस्ट की जाए जो आपकी हेल्प करेंगी इन सारी चीजों को अचीव करने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप कोई क्रिएटिव परसूट जैसे कि राइटिंग, म्यूजिक या यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप रीड कर सकते हैं ये तीन बुक्स, शो योर वर्क, कीप गोइंग एंड स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। इन तीनों बुक्स के ऑथर ऑस्टिन क्लियोन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। उनके पास क्रिएटिव फील्ड का कई सालों का एक्सपीरियंस है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है इफ यू आर स्टार्टिंग आउट ऑन योर ओन जर्नी। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में वो डिस्कस करते हैं कि फेमस आर्टिस्ट को उनके यूनिक आइडियाज कहां से आते हैं और हम क्या कर सकते हैं खुद के यूनिक और अमेजिंग आइडियाज जनरेट करने के लिए। कीप गोइंग में वो डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कैसे डेली रिचुअल्स, कैसी हैबिट्स आपको ये अचीव करने में हेल्प करेंगी, ऑल्सो आपके क्रिएटिव पाथ में कैसी डिफिकल्टीज आएंगी और आप उनका सामना कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कई अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत वीक्स ऐसे आएंगे जब आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। फाइनली शो योर वर्क वो किताब थी जिसकी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। इस बुक में वो बताते हैं कि अपने वर्क को दुनिया के साथ शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऐसे कंटेंट शेयर करते हैं तो लोगों के सामने लर्न करने के क्या फायदे होते हैं, आपको अपनी प्रोसेस लोगों के साथ क्यों शेयर करनी चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को शेयर करने के सबसे अच्छे तरीके क्या होते हैं। इन तीनों बुक्स से रिलेटेड मैंने एक एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। शायद आप प्लान कर रहे हो कि मे बी कोई नया स्पोर्ट सीखा जाए, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर स्नूकर। एक अमेजिंग बुक है इनर गेम ऑफ टेनिस जो मे बी आपकी हेल्प कर सकती है। इस बुक के ऑथर टिम गॉलवे यूएस के नेशनली रैंक टेनिस प्लेयर थे जो इवेंचुअली एक कोच बने। टिम बताते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर एट अ टाइम दो गेम खेल रहा होता है, एक आउटर गेम जो हमें कोर्ट पे दिखाई देता है और एक इनर गेम जो वो अपने दिमाग में खेल रहा होता है। इनर गेम हैविली डिक्टेट करता है कि आप गेम में कैसा परफॉर्म करते हैं। वो बताते हैं कि आप अपने दिमाग के कॉन्शियस सेल्फ वन और सबकॉन्शियस सेल्फ टू के बीच के रिलेशन को जान के अपने गेम में कैसे अमेजिंग फोकस अचीव कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके आप अपनी लाइफ कैसे बेटर वे में लिव कर सकते हैं। ऑल्सो ये बुक टेनिस स्पेसिफिक नहीं है, आप इसकी लर्निंग्स ऑलमोस्ट किसी भी स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हैं। फाइनली अगर आप कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कोई बुरी हैबिट ब्रेक करना चाहते हैं, तो रीड करिए जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक में वो बताते हैं कि हैबिट्स किस तरीके से एक हैबिट लूप को फॉलो करती हैं और इस लूप को आप ध्यान में रख के अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लेके आ सकते हैं ताकि आप इजीली हैबिट्स को मेक या ब्रेक कर पाए। जाते जाते मैं दो बुक्स और मेंशन करना चाहता हूँ। अगर आप जिमिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, देन प्लीज रीड स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। ये आपको साइंस बैक्ड एडवाइसेस देगी ऑन हाउ टू स्टार्ट योर जिमिंग लाइफ। और ऑब्वियसली जब आप जिम स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको ढेर सारी फालतू और गलत एडवाइसेस मिल सकती हैं, सो दिस बुक कैन सेव यू। और अगर आप कोई एकेडमिकली ओरिएंटेड स्किल जैसे प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल पे सबसे ज्यादा मेंशन की हुई बुक मेक इट स्टिक पढ़िए, जो आपको सिखाएगी कि लर्निंग के सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके क्या होते हैं। फाइनली जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, प्लीज 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 इन बुक्स को प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन की तरह मत लीजिएगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इन बुक्स को पढ़ रहे हैं और जो आपको एक्चुअल एफर्ट अपने एंडेवर में पुट करना है वो आप बिल्कुल पुट नहीं कर रहे हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी चीज नए साल पे स्टार्ट करने वाले हैं उसे आज ही शुरू कर लीजिए। पैरेलली इन सारी किताबों में से जो भी आपके लिए यूजफुल है उस किताब को पढ़ते रहिए और आई होप कि आप अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। और गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए, इससे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है उन दोनों को दबा दीजिए, आजकल बेल आइकन की काफी ज्यादा अहमियत है। एंड गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।